हेलो भाई, स्वागत है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी का जो स्किल टेस्ट हो रहा है, स्किल टेस्ट में क्या कहां पर देखने को मिल रहा है। जो अभी जो बच्चे स्किल टेस्ट देके आ रहे हैं, जो 14 फरवरी का जो स्किल टेस्ट दिए हैं बच्चे, उनमें से बहुत से लड़के हैं जो कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। तो आप इस ऑडियो क्लिप की सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, आप क्या ऐसा गलती ना करें जो आपको वहाँ पे बाहर रास्ता दिखा सकता है। तो प्लीज जो आप हम इस वीडियो के एंड तक वाच कीजिए। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो लड़के बात हुआ है उस ऑडियो क्लिप आप सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ बोलिए, पहचान है? हाँ पहचान लिए, इसकी टेस्ट हो गया आज? हाँ सर, तो जानते सब कुछ हो गया, लास्ट में हमको ऐसी कर दिया। क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड कर दिया है सर्टिफिकेट के लिए। हाँ तो बताइए आप, जैसे सब चीज हो गया, सब बायोमेट्रिक उमेट्रिक सब वेरीफाई हो गया। हाँ लास्ट पोजिशन पे थे, सब सब हो गया। हाँ तो आप डॉक्यूमेंट जमा ले रहा है, सब देखा कि हमारा स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, तो वही देखा था, सब सुना गया थे स्टेट वाला, तो काफी लाख पैसा है, तो सर यही मेरे पास सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कोई तो जैसा आपने सुना होगा इस ऑडियो क्लिप में, उसमें जो लड़का कल कर बता रहा है कि सर जो है हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एज ए स्किल टेस्ट तो हम दिए बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो रीजन क्या था, उस बच्चे जो बता रहे थे कि हम जो है SCVT गवर्नमेंट IT किए हैं लेकिन हमारे पास NTC का सर्टिफिकेट नहीं है, इस टाइप से वो लड़का बता रहा था। और तो जो भी बच्चे SCVT IT किए हैं वो क्या कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आपको स्किल टेस्ट नहीं ले जाए कि हमारा नहीं होने वाला, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा माइंड में ना रखें। आप जो स्किल टेस्ट को अटेंड करें, लेकिन स्किल टेस्ट अटेंड करने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हम आपको बताने वाले भाई। एक लड़का जो सेंड किया एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड में क्या कैसा इंस्ट्रक्शन है जो आपको जाना अति आवश्यक है, तो हम आपको बताने वाले हैं अभी आगे। उसके बाद सबसे पहले जो भी बच्चे जो IT SCVT से किए हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो यदि आप कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हैं, अगर आपने IT किया उसके साथ अगर आपने अप्रेंटिस किया है या फिर कहीं पे काम किया, तो उस डॉक्यूमेंट को भी वहां पे लेके जाना है। उसके बाद यदि नहीं है आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर किसी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, तो आप जो है जिस कॉलेज से वहां पे IT पास आउट किया वहां पे जाकर आप उसके लेटर पेड रहता है उसमें वहां पे लिखवाना है कि ये हम इस IT पास आउट हैं, ये हमारा सेशन था, ये हम नाम है, पापा का नाम जो भी है, वहां पे आप जाके बोलिए गवर्नमेंट IT में इस टाइप का लेटर आपको बना के दे। यदि आपके पास अगर इस सब लेके जाते हैं IT प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर अगर इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर जो लेटर पेड है अगर उसको लेके जाते हैं, तो शायद आपका चांस बन सकता है कि आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाए, आपको डिस्क्वालीफाई न किया जाए, है ना? दिक्कत नहीं। यदि स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपने माइंड में डाउट आ रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या हमें ऐसे गलती नहीं करना, यदि आप नाम मिस्टेक हुआ है, अगर स्पेलिंग में गलती है, मार्क्स में गलती है, तो यदि हम लोग इसको कैसे सुधार सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए हुए नंबर में आप हमें जो है 5 बजे के बाद भी कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक लड़का एडमिट कार्ड जो सेंड किया है कि उस एडमिट कार्ड में क्या क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया जो आपको जाना अति आवश्यक है। और इस वीडियो क्लिप को सुनाने का ये मेरा मकसद नहीं था कि आपको डीमोटिवेशन करना, हमारा बस यही मकसद है कि आप जो लड़का इस लड़का के साथ जो गलती हुआ उसके ये गलती आपके साथ ना हो, तो प्लीज जो है आप ऐसा ना गलती करें। जो हम बोल रहे वो थोड़ा सा लेके जाए, जो भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपके सीनियर है जो कहीं पे जॉब करें उनसे भी एक बार बात करके जो गलती है उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें वो एक बार उनसे डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलिए दिखाते हैं आपको जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को 1 by 1 करके हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या उस इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे अभी जो हम लोग हैं एक डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड में जो है आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या ऐसा गलती नहीं करना है जो जिसके चलते जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी BRC का ये स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये भी लड़का जो था स्टैपनी कैटेगरी 2 का था, नेम यहाँ पर दिया हुआ था, उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस था। यदि आप हमारे चैनल से अगर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था मल्टीपर्पज हॉल ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल अनुशक्ति नगर ट्रांबे मुंबई में इसका स्किल टेस्ट हुआ था, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो फिटर वाले जो ट्रेड है या चे वेल्डर है उनका स्किल टेस्ट जब होगा तो उस टाइम जो आपका एडमिट कार्ड में वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ होने वाला है। दिक्कत तो नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है
एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है पोस्ट कार्ड, है ना। डेट ऑफ स्किल जो हुआ था आपका 14 फरवरी को यहाँ पे स्किल टेस्ट इसका हुआ था। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको जानना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे आपको लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। ये 2024 का ये जो 2024 में जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसका वीडियो है। इससे पहले हम एक बार जो 2022 या 2023 में स्किल टेस्ट हुआ था उसके बारे में भी हम एक बार वीडियो डिस्कस कर चुके थे, एक बार उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहाँ पे हम दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है ना। तो सबसे पहले आपको जो क्या करना है कि आपको प्रवेश पत्र मतलब कि तिथि और स्थान पर स्किल टेस्ट के लिए पहुँच जाना है। उसके साथ जो आपको क्या क्या लेके आना है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाइल अपीयरिंग फॉर द स्किल टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिंग द फ्लोइंग, है ना। जितने भी जैसे आप एग्जाम देते हैं CBT का उसका एडमिट कार्ड लेते लाना है। देख सकते हैं पहला नंबर एक्नोलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ CBT, एडमिट कार्ड ऑफ द स्किल टेस्ट, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, नॉन प्रोग्रामर साइंटिफिक कैलकुलेटर रख भी सकते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे तो उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आप फिलअप किए थे उसका जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके साथ साथ उसका जेरोक्स भी लेके जाना है, उसके बाद जो वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना है। जब आप एक स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कमरे में बैठा दिया जाता है, उसके बाद जो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एक फॉर्म में उसमें फिलअप करना रहता है कि आपके पास क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपने क्या क्या भरा था वो सारा वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद वहाँ पे जो भी HR के जो सर होते हैं वो आपको वहाँ पे वेरीफिकेशन करेंगे, वेरीफिकेशन करने के बाद ही आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक आपके भी वहाँ पे होगा, ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखते नहीं आपको प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ लाना है, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र लाना है ऐसा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। कोई भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ला सकते हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ज़्यादातर लड़का का यही कमेंट में आ रहा था कि सर हम पुराना सर्टिफिकेट लेके आए जाएगी नया, तो जो भी अगर आपके पास ओल्ड वाला भी है तो उसको भी अपने साथ रखें। अगर उसके बाद जो है आप जो न्यू अभी करंट है उसको भी आप बनवा लीजिए। अगर OBC से तो OBC बनवा लीजिए, कास्ट अलग होता है OBC सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों आप बनवा लीजिए, कास्ट OBC दोनों, है ना। उसके बाद जो भी SC से हैं वो भी अपना अपना सर्टिफिकेट बनवा के जाएं, ऐसा कोई भी मिस्टेक ना करें जिसके चलते जो आपको स्किल टेस्ट के जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी माइनर मिस्टेक भी आप ना करें अपने आप में, है ना। यदि आपके पास EWS है तो अगर आप जो भी बच्चे अगर EWS हैं तो लेके जाए अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिक्कत तो नहीं है आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर ये लेके जाना है फोटो ID, जैसे आधार कार्ड, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो आपको ID प्रूफ के लिए, ये तीनों में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, दिक्कत तो नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट ओनली आफ्टर देयर क्रेडेंशियल एलिजिबिलिटी आर वेरीफाइड बाय वेन्यू ऑफिशियल्स। ये सब प्रक्रिया होने के बाद ही जो है आपको स्किल टेस्ट में अटेंड करने दिया जाएगा। यदि अगर कहीं भी उनको डाउट लगता है ऐसा जो आप जो फिलअप किए थे यहाँ उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो शायद जो आपको स्किल टेस्ट के लिए ना भेजा जाए तो फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये एडमिट कार्ड हम आपको सेंड करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द बायोमेट्रिक्स सेल बी कैप्चर एट द टेस्ट वेन्यू ऑफ फॉर वेरीफिकेशन, द कैप्चर बायोमेट्रिक्स विल बी मैच ट्रेल्ड विद द बायोमेट्रिक्स कैप्चर एट द सेम टाइम ऑफ CBT, इन केस ऑफ एनी मिसमैच द कैंडिडेट्स विल कैंसल्ड, है ना। यदि कोई भी अगर मिसमैच होता है तो आपका जो है कैंसिल किया जा सकता है, आपको स्किल टेस्ट में बैठने नहीं दिया जा सकता है, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट आकार के फोटो की 2 प्रतियां भी साथ मिलाने हैं। आपके साथ जो है जब स्किल टेस्ट अटेंड करने जाओ तो आपके पास जो है 2-3 जो है पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको भी लेके जाना है, ताकि वहाँ पे वो कर सके कुछ। उसके बाद देख सकते हैं देयर इज नो सेफकीपिंग ऑफ लॉकर अरेंजमेंट, कोई भी अगर आप अपना सामान लेके जाते हैं तो उसके लिए जो वहाँ पे स्पेशल व्यवस्था नहीं रखा गया कि जिसमें कि आप उस अपने उस लॉकर में आप अपना बैग को मोबाइल को लेके रख सकते हैं। ये जो है आपको पर्सनल अपना वहाँ पे देखना है, वहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा वैसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। इंक्लूडिंग इन टाइप ऑफ कौशल परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार अगर आप मिसबिहेव करते हैं या फिर कदाचार करते हैं, अनुचित असाधारण का करते हैं, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहाँ पे। ये क्लियर मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, दिक्कत तो नहीं है। कौशल परीक्षा का परिणाम हमारी वेबसाइट प्रकाशित किया जाएगा। यदि जब स्किल टेस्ट देते हो तो स्किल टेस्ट देने के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जो कब आएगा वो स्किल इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अपडेट करते रहना। यदि आप नहीं कर पाते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी इसका इन्फॉर्मेशन आएगा इसके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आप जो है इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है
कौशल प्रश्न भाग लेने वाले अनुसूचित जो भी अगर एसटी एससी हैं तो उनको टीए मिलेगा, लेकिन बाद वाले बच्चों को जो है आपको टीए नहीं मिलेगा। जो अगर 30 किलोमीटर से बाहर में है उन्हीं को यहाँ पे टीए मिलने वाला है, दिक्कत नहीं है। नॉट यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, नॉट फॉर द कैंडिडेट्स। यदि दस्तावेज के सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के विज्ञापन के अनुसार आवेदन किए गए पद के लिए पात्र नहीं है तो उन्हें कौशल परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सपोज आपका फिटर ट्रेड है और आपने टर्नर फिलअप कर दिया है और उसे डॉक्यूमेंट आप फिलअप नहीं कर पा रहे, या भी कोई भी अगर मिसमैच होता है जो आपने अप्लाई ऑनलाइन करने के टाइम दिया है, तो उस अगर आप नहीं सही कर पाते हैं तो जो है आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अगला है कि कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम या निर्धारित पात्रता को शर्तों को पूरा करने का अधीन है। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द स्किल टेस्ट प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन, है ना। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, दिक्कत तो नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर माइंड में आपका डाउट आता है क्या करना नहीं करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन सा ऐसा गलती है जो को नहीं करना है जो अदर बच्चे कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।